दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये सबूत अरब को हिला देते हैं। मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग प्रमाणों के साथ, वीडियो डिलीट होने से पहले जरूर देख लीजिए, कुछ घंटे बाद YouTube इस वीडियो को डिलीट कर देगा। क्या भगवान शिव कैद है मक्का मदीना में? क्या मक्का मदीना की जगह पहले हिंदुओं का मंदिर था? आज खोलेंगे पूरा राज। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका एक पैर गया में, दूसरा पैर मक्का में और तीसरा पैर शुक्ल तीर्थ में। शुक्ल तीर्थ तो इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन बिहार में मौजूद गया हिंदुओं को एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो वहीं दुनिया भर के मुसलमान मक्का में हज की यात्रा करने जाते हैं, पर सवाल ये आता है कि मक्का में किसी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या वहां वाकई में भगवान शिव विराजमान हैं? क्या मक्का का काबा मक्केश्वर मंदिर है? और मुसलमान लोग मक्का में किसकी पूजा करते हैं? हमें मालूम है ये बहुत सारे सवाल पेचीदा, लेकिन मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम किसी भी धर्म या जाति की मान्यताओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, बल्कि हम तो सच को आपके सामने लाना चाहते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को महिलाओं ने इस्लाम में कुछ ऐसी चीजें बता दी है जिससे वो हिंदू धर्म के विरोध के साथ साथ वैदिक संस्कृति के खिलाफ हो गए हैं। जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों के मुसलमान आज भी अपनी वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिससे ये चीज साबित होती है कि हिंदू धर्म का विरोध करना इस्लाम नहीं है। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा अनबन रहती थी, क्योंकि देवताओं को अमरत्व प्राप्त था, इसलिए शुक्राचार्य इसके लिए हमेशा चिंतित रहते थे। और उसी को पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की गहन तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहाँ देवता इसे देख ना सके। जब तक दैत्य इस शिवलिंग को पूजते रहेंगे तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन कोई देवता रूप वैष्णव शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उसी दिन दैत्यों का विनाश हो जाएगा। उसी चीज को सोचकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां दैत्य उसकी पूजा करने लगे, और आज वही शिव मंदिर काबा के नाम से जाना जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुसलमान आज भी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य को मानते हैं, तभी तो शुक्रवार उनका सबसे खास दिन होता है। शुक्रवार की नमाज बाकी दिनों के मुकाबले सबसे पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथों में सुगंध व सौंदर्य शुक्र का प्रतीक माने जाते हैं, इसी वजह से मुसलमान लोग इत्र का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करते हैं। इतना ही नहीं, किसी को धन्यवाद करने के लिए मुसलमान लोग शुक्रिया करते हैं। दोस्तों कुछ दंत कथाओं में ये भी कहा गया है कि काबा में भगवान शिव को बीबी फातिमा ने बंदी बना रखा है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों का जाना मना है। अब दोस्तों मक्का में शिव जी के बंदी बने रहने वाली बात सच है या फिर कल्पना, इस बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका सच जानने के लिए हमें मक्का और मोहम्मद के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत से विस्तार में बातें लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के शुरुआत में ही रोमन इतिहासकार थोडोरस सेलर्स ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। वो बताना चाहते हैं कि भगवान शिव का काबा से कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों कहा जाता है मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था, जिसका अगर संधि विच्छेद करें तो कुरु के ईश्वर महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे, और महाभारत के युद्ध के बाद जो बच गए थे वो भारत को छोड़कर दूसरी दूसरी जगह पर चले गए। कौरव घराने के राज्य पुत्रों को उस वक्त कुरैश कहा जाता था, और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद के दादा शिव मंदिर में पुजारी थे। इस मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थी, यानी हर दिन के लिए अलग अलग मूर्तियां बनाई गई थी।
इतना ही नहीं, पीएन ऑक अपनी पुस्तक में आगे कहते हैं कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसलिए उसने सभी मूर्तियां नष्ट कर दी और शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे संगे अस्वद कहा जाता है। इस्लाम के उदय से पहले इजराइल और यहूदियों द्वारा इसकी पूजा करने के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों कहा जाता है मक्का का शिवलिंग भी हटाने के दौरान खंडित हो गया था, इसलिए इसे चांदी के यूनिनुमा आकार में बनाकर दीवार में चुन दिया गया। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इस्लाम में निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है, वहां पर किसी पत्थर या मूर्ति को पूजना गलत माना जाता है। उसी इस्लाम में हज यात्रा किए बिना, यानी कि संगे अस्वद पत्थर को चूमे बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ हम किसी मजहब पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर सवाल तो खड़े होते ही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया। इसमें ये बातें भी होती है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, लेकिन कहाँ है इस बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया। इसमें बताई गई कथा के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका जा रहा था। वो शिवलिंग काफी ज्यादा भारी था, इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, इसलिए उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। आराम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। कहा जाता है जिस जगह पर रावण ने शिवलिंग को रखा था वो जगह कोई और नहीं मक्का ही थी, जहां रावण ने शिवलिंग रखा था। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि जहां शिवलिंग मौजूद होता है वहां कोई ना कोई जलांश जरूर होता है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस कुएं के जल को पीते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसे मुसलमान लोग आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं, और उनके यहाँ इस जमजम के पानी की बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को आग की तरह हर एक ग्रुप में फैला दीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।